आपका स्वागत है। ये तो सभी जानते हैं कि आलिया भट्ट बॉलीवुड के सबसे बड़े खानदान कपूर खानदान की बहू बनने वाली है। वहीं आलिया और रणबीर कपूर की शादी के चर्चे इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। हालांकि उनके पिता महेश भट्ट नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटी की इतनी जल्दी शादी हो। दरअसल भट्ट अपनी बेटियों को लेकर काफी पॉजिटिव हैं और अपनी बेटियों को अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहते। इतना ही नहीं, वे नहीं चाहते कि आलिया अभी शादी करे और उनकी नजरों से दूर चली जाए। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान आलिया ने कहा था, मेरे पापा हमारी काफी फिक्र करते हैं, उनका बस चले तो वो कभी मेरी शादी ना होने दें। आलिया ने कहा, उनके पिता कभी कभी उन्हें बाथरूम में बंद करने की धमकी देते हैं। शादी की बात आते ही वो कहते हैं कि मुझे बाथरूम में बंद कर देंगे लेकिन अपनी आंखों से दूर नहीं जाने देंगे। आलिया ने बताया, पापा ने हमसे कहा है कि हम कभी उनसे दूर नहीं जा सकते। वे हमारी शादी नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि मैं उनसे दूर चली जाऊंगी। वैसे आपको बता दें कि महेश भट्ट की लाइफ बेहद कंट्रोवर्शियल रही है। सालों पहले स्टारडस्ट मैगजीन के लिए उन्होंने बेटी पूजा भट्ट के साथ लिपलॉक सीन दिया था। ये फोटोशूट मैगजीन के कवर पेज पर छापा था जिसमें पूजा अपने पापा को ही स्मूच करती दिखी थी। इस फोटो ने इतना विवाद खड़ा किया था कि पूजा और महेश भट्ट दोनों ने ही इस फोटो को फेक बताया था। हालांकि पूजा और महेश भट्ट की इस फोटो से फैंस और आम लोगों के बीच हड़कंप मच गया था। इस फोटो ने इतना तूल पकड़ा कि महेश भट्ट को जान से मारने की धमकी तक मिलने लगी थी। लोगों ने उन पर भारतीय सभ्यता को खराब करने और समाज में गंदगी फैलाने का आरोप लगाया था। विवाद इतना बढ़ गया था कि इसे खत्म करने के लिए महेश भट्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी, लेकिन इससे उनकी मुसीबत कम होने की जगह और बढ़ गई थी। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कह दिया था कि अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उनसे शादी कर लेता। इसके बाद खूब तमाशा हुआ और महेश भट्ट और विवाद में फंस गए। विवाद को बढ़ता देख बाद में महेश भट्ट ने अपनी सफाई में कहा था कि फोटोशूट के बाद जिस तरह से उन पर आरोप लगाए गए थे उससे वे डिप्रेशन में चले गए थे। इसी डिप्रेशन की वजह से उन्होंने पूजा से शादी करने जैसा बयान दे दिया। हालांकि विवाद फिर भी नहीं थमा। बता दें कि महेश भट्ट ने 20 साल की उम्र में लॉरेन ब्राइट से शादी की थी। शादी के कुछ समय बाद लॉरेन ने अपना नाम बदलकर किरण भट्ट कर लिया था। इस शादी से उनके दो बच्चे हुए, पूजा भट्ट और राहुल भट्ट। हालांकि ये शादी लंबे समय तक नहीं चली। भट्ट का पूरा परिवार फिल्मों से जुड़ा हुआ है। पूजा के दादाजी नाना भाई भट्ट उनके चाचा मुकेश भट्ट के साथ विशेष फिल्म्स के को फाउंडर हैं। विशेष फिल्म्स भट्ट परिवार का ही प्रोडक्शन हाउस है। आलिया के अलावा पूजा की एक और स्टेप सिस्टर है शाहीन भट्ट, उनका एक भाई है जिसका नाम राहुल भट्ट है। पूजा के कजिन इमरान हाशमी, विक्रम भट्ट और मोहित सूरी भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। बात आलिया की करें तो हाल ही में उन्होंने अपना 28वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था। उनकी बर्थडे पार्टी का आयोजन फिल्म मेकर करण जौहर ने किया था। इस पार्टी में दीपिका पादुकोण, अयान मुखर्जी, अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा जैसे सेलेब्स शामिल हुए थे। इस पार्टी में उनके बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर नहीं पहुंच पाए क्योंकि वो उन दिनों कोरोना पॉजिटिव हैं। आलिया ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। इनमें स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, हाईवे, उड़ता पंजाब, डियर जिंदगी, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, राजी और गली बॉय प्रमुख हैं। आलिया जल्द ही गंगूबाई काठियावाड़ी, ब्रह्मास्त्र और आरआरआर जैसी फिल्मों में नजर आने वाली हैं। तो गाइस, क्या कहना है आपको आलिया भट्ट के लिए, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए बिग स्क्रीन।